बहार के रंग बिरंगे खिलखिलाते महकते फूलों के मौसम में तमाम ही मेरे गाड़ी फ्रेंड्स को वैगी सोम सिंह गार्डन में बहुत बहुत खुश आमदेद। मेरे गाड़ी फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो जो विंटर के सबसे इजी टू ग्रो जो बल्ब्स हैं वो ग्लैडियोलस के बल्ब्स हैं उसके हवाले से है। बहुत से मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स ने मुझे फेसबुक पे और यहाँ यूट्यूब पे भी कहा कि जी आपके तो हर तरह के विंटर जो फ्लावर बल्ब्स हैं हम आपकी वीडियोस देख रहे हैं, ना कि सिर्फ आपके डच चेरीज पे, आपके एनिमल्स पे, आपके डैफोडिल्स पे, आपके स्पायरेक्सिस पे, आपके रेनैनकुलस पे, आपके एक्सिया पे वीडियोस देख रहे हैं और आप हमें हर तरह से टिप्स और इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं अपने विंटर बल्ब्स के हवाले से। जी मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स, बाल ले तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेरे दोस्तों का वीडियोस को देखने का, वीडियो को लाइक करने का, कमेंट करने का। और जिन मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करें ताकि आप नेक्स्ट आने वाली वीडियो से आप इन टच रहें और हर तरह के टिप्स और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जी आप टिप्स और इन्फॉर्मेशन के हवाले से आप ये बात करते हैं मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स, आप कई कह रहे थे जी हमारे तो ग्लैडियोलस पे, जैसे अभी मैंने कहा बहुत इजी टू ग्रो ग्लैडियोलस के ये बल्ब्स होते हैं, जस्ट आप लगा दें गोबर की खाद डाल के, इसमें तो फ्लावरिंग स्पाइक निकलेगी निकलेगी। और कई मुझे कह रहे थे जी हमारे तो फ्रिजिया तक दूर की बात है। एक ने कहा अजमत रांझा साहब है, उनका दोबारा मैं नाम लूंगा, हमारे तो ग्लैडियोलस पे फ्लावरिंग स्पाइक नहीं निकले। तो मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं वो रीजंस बताऊंगा कि क्या वो रीजन है जिसकी वजह से आपके ग्लैडियोलस पे भी फ्लावरिंग स्पाइक नहीं निकलती। तो काइंडली ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर दरमियान में आपने स्किप आउट कर दिया तो हर तरह की आप टिप्स और इन्फॉर्मेशन से आपके लिए राय आ जाएगी। तो वीडियो को आगे शुरू करते हैं मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स। पहले तो आप ये दो मेरे ये बल्ब ये कंटेनर्स में देख रहे हैं, ये ग्लैडियोलस के बल्ब्स लगे हुए। और इतना बता दूं कि मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स, आप कह रहे हैं जी आपके भी नहीं निकले, मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स ये भी ये देख रहे हैं हेल्थी ग्रोथ है और इसमें फ्लावरिंग स्पाइक निकले, लेकिन ये बेबी प्लांट है। मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स ये दिखाने का पर्पज ये है कि ये सारे के सारे नीचे डैफोडिल्स मैंने लगाए हैं, सारे के सारे ये बेबी बल्ब्स हैं और ये पिछले साल के मेरे ग्लैडियोलस के बल्ब्स थे और मुझे मालूम था कि इन पे यह ग्लैडियोलस पे ये फ्लावर्स नहीं निकलेंगे, चाहे मैं जितनी मर्जी फर्टिलाइजर डालूं, अपनी स्पेशल फर्टिलाइजर भी डालूं, पीके भी डालूं, एनपीके भी डालूं, फास्फोरस पोटेशियम भी डालूं, चाहे जितनी मर्जी जो बोन मील का डब्बा भी डालूंगा ना, तो मेरे गार्डन फ्रेंड्स नहीं निकलेंगे, इसमें फ्लावरिंग स्पाइक नहीं निकलेगी। अब वो कहें वो किस हवाले से मेरे गार्डन फ्रेंड्स, पहली बात तो ये है अभी रिसेंटली मैंने बल्ब्स आपने निकाले हैं नेक्स्ट सीजन के लिए, को अगर मैंने गर्मियों के भी बल्ब लगाने हैं मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये देखे ये मैंने जैसे ही आप बल्ब देख रहे हैं मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये ग्लैडियोलस के ये दो बल्ब्स हैं, ये एक ये बल्ब है, ये अभी मैंने निकाला अभी थोड़ी देर पहले, इसको मैं ड्राई आउट करूँगा अगले सीजन के लिए। ये मेन बल्ब है, मेन बल्ब के नीचे ये बल्ब का साइज देखें। अभी जितनी भी वीडियो में मैंने कहा है कि सबसे पहले जो भी आपने बल्ब लेना है वो आपका हेल्थी और फ्रेश बल्ब होना चाहिए, किसी किस्म का कोई फंगस, किसी किस्म का बल्ब है डैमेज नहीं होना चाहिए। और बल्ब का साइज बहुत डिपेंड करता है फ्लावरिंग स्पाइक पे निकलने पे। अब इस पे मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स अगले साल फ्लावरिंग स्पाइक इस पर भी निकलेगी। और ये जो बल्ब है इसको मैं बल्ब जिससे अभी मैंने दिखाया है एक कंटेनर में सेपरेट, मैं एक पॉट में इसको बल्ब को लगाऊंगा, इसमें जो फ्लावरिंग स्पाइक है वो नहीं निकलेगी, चाहे जितनी मर्जी मैं फर्टिलाइजर जितना मर्जी कुछ। और कोशिश करें जो भी आप बल्ब्स लें, चाहे हेल्थी फ्रेश बड़ा साइज का बल्ब लें, जैसे ये बल्ब है, इस नीचे नीचे ये बेबी बल्ब्स हैं ना, इस तरह के कई बल्ब से होते बेबी बल्ब शू में बने होते हैं, वो आप ना लें। आप कहेंगे जी हमने तो ऑर्डर के जरिए मंगवाते हैं, ऑर्डर के जरिए तो वो तो कुछ किस्म नीचे बेबी बल्ब से बने होते हैं, हम क्या करें, हम तो वापस तो नहीं कर सकते। मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स वाकई उन्हें भी तो बेचने होते हैं, उन्होंने बाहर से मंगवाए होते हैं, तो कोई बात नहीं। इसलिए वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि बल्ब आपके ज़ाया नहीं जाते। अब आगे अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है, अप्रैल तक अगर वेट करें फ्लावर्स निकलेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं निकलते फ्लावर को आप बल्ब्स को सेव करें। इस बल्ब को आप मैं नेक्स्ट सीजन के लिए सेव करूँगा।
ये इसलिए मैंने निकाला है कि अब ये सेफ भी होंगे, यहाँ से जब ड्राई होल्ड हो जाएगा इसे सेपरेट कर दूंगा और इस बल्ब को भी सेपरेट कर दूंगा। ये बल्ब छोटे बल्ब में लगाऊंगा, छोटे कंटेनर में लगाऊंगा और इसमें फ्लावरिंग स्पैन निकलेगी। और जिस तरह मेरे गार्डन फ्रेंड्स, अब ये दूसरा बल्ब ये देख लें, अब इसमें कई कई बेबी बल्ब्स हैं, ये इसमें अब ये दो बल्ब्स हैं। अब मैं अगर आपको मैं जज कर कहूँ कि जी आप ज़रा मुझे जज करके बताएं किस पे फ्लावर निकलेंगे तो किस पे मिनी निकलेंगे, तो आप बताएं ना मुझे ज़रा। अब मेरे गार्डन फ्रेंड्स आप कहेंगे जी इसमें भी निकलेंगे फ्लावर, इसमें भी निकलेंगे, हमने तो जो बल्ब से हमें पास आए थे वो तो इस तरह के बल्ब से, इतने बड़े बड़े बल्ब से। मेरे गार्डन फ्रेंड्स इस जो बल्ब है, इस बल्ब पर मैं आपको बता दूँ, इस बल्ब पर भी फ्लावरिंग स्पाइक नेक्स्ट ईयर नहीं निकलेगी और इस पे जो फ्लावरिंग स्पाइक एक आएगी। तो ये रीज़न से आपको बल्ब ये बताने की, अगर आपके बल्ब्स हैं, अगर आपके हो रहे हैं जिस तरह के, इस तरह के बल्ब जब ये पीले पीले हो जाएंगे, आप इस तरह के ये जैसे ये है इसे आप अच्छी तरह पीला होने दें, ड्राई आउट होने दें, ड्राई आउट के बाद आप बल्ब निकाल दें, मेरे तो ड्राई आउट हो गए हैं। अब ये है, अब ये है, हो सकता है कि इस पर फ्लावरिंग स्पाइक अभी बीच में से मार्च के एंडिंग तक इसमें निकल आए, तो मार्च के आप एंड तक वेट अप कर लें, जब बल्ब सारे के सारे पीले हो जाएं तो फिर इसको निकाल लें, पानी उसमें ना दें, ठीक है, अच्छी तरह मिट्टी को ड्राई आउट होने दें। तो ये भी टिप्स आपको बताने को, उसकी इन तमाम की वीडियोस है, बल्ब लगाने से लेकर बल्ब को कैसे अगले सीजन के लिए स्टोर करना है, अपने गार्डन फ्रेंड्स के लिए हर तरह की तीनों चार वीडियोज़ मेरी यूट्यूब पर अपलोड हैं। लेकिन ये तो वह अपने जो मेरे कहते हैं कि जो मुझे गार्डन फ्रेंड्स बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जी आप तो एक्सपर्ट हैं, आपके तो हर बल्ब आप लगा रहे हैं, हर बल्ब की आपकी फ्लावरिंग की वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो अब मीता जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, वो तो मुझे बल्ब्स का एक्सपर्ट समझती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो कोशिश करूँगा हर तरह से आपको इन्फॉर्मेशन और टिप्स मैं शेयर करता रहूँ। और उम्मीद करेंगे कि मेरे गार्डन फ्रेंड्स को ये वीडियो पसंद आएगी, काली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय, आसिम नवाज़ फ्रॉम Waggy's Home Kitchen Garden।